हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस न्यूक्लियर फिजन। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, टुडे वी विल डिस्कस न्यूक्लियर फिजन। इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दैट न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी ऑब्टेन बाई टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सो टुडे वी विल डिस्कस न्यूक्लियर फिजन। क्लियर? सो नाउ द वर्ड फ्यूजन मीन टू स्प्लिट अप इंटू टू और मोर पार्ट्स। ठीक है, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिट अप, टूटना दो या दो से ज्यादा भागों में। ठीक है, द वर्ड फ्यूजन मीन्स टू स्प्लिट अप इंटू टू और मोर पार्ट्स। क्लियर? द वर्ड फ्यूजन मीन टू स्प्लिट अप इंटू टू और मोर पार्ट्स। क्लियर? द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम स्प्लिट अप इंटू स्मॉलर न्यूक्ली वेन बॉम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है? देखिए, वो प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, वो प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव एटम का हैवी न्यूक्लियस। अब रेडियो एक्टिव एटम कौन कौन से हुए? जैसे कि आप मान लीजिए यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव एटम का जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे न्यूक्ली में, स्मॉलर न्यूक्ली में, छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट जाता है। टूटने के बाद छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट जाता है। कब? जब उसको बॉम्बार्ड किया जाता है, जब उसकी रिएक्शन की जाती है, उसको धमाका किया जाता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ। बॉम्बार्ड किया जाता है, धमाका किया जाता है। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोला? द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम स्प्लिट अप इंटू स्मॉलर न्यूक्ली वेन बॉम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। वो प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव एटम के जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो टूट जाते हैं स्मॉलर न्यूक्ली में। कब? जब उन रेडियो एक्टिव एटम को बॉम्बार्ड किया जाता है, उन रेडियो एक्टिव एटम का धमाका किया जाता है। किसके साथ? लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ। तो उसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेगा तो आप बोलेंगे वो प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव एटम का हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट जाता है। ठीक है, जब उसको हम बॉम्बार्ड करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ, ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी लो है उसके साथ उनका धमाका करते हैं, तब जाके जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ जो हैवी न्यूक्लियस ऑफ द एटम, रेडियो एक्टिव एटम को बॉम्बार्ड किया जाता है, धमाका किया जाता है, ताकि वो छोटे छोटे न्यूक्ली में टूट जाए। और याद रखिए, छोटे छोटे न्यूक्ली को जोड़ के ही एक न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो न्यूक्ली क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम स्प्लिट अप इंटू स्मॉलर न्यूक्ली वेन बॉम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। और जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है इसमें ट्रिमेंडियस अद्भुत बहुत ज्यादा मात्रा में जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में, अद्भुत मात्रा में, मतलब अद्भुत जिसकी आप कल्पना भी कहते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर? द सम ऑफ मासेस ऑफ द स्मॉलर न्यूक्ली फॉर्म इन अ फ्यूजन रिएक्शन इज अ लिटिल लेस देन दैट ऑफ द मास ऑफ ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए जो सम होता है मासेस ऑफ द स्मॉलर न्यूक्ली का, जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो हैवी न्यूक्लियस से टूटकर जो छोटे छोटे न्यूक्ली बने हैं उन सारे न्यूक्ली को जोड़ के उन सारे न्यूक्ली का जो मास है, ठीक है, वो क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है ओरिजिनल जो हैवी न्यूक्लियस है उसके कंपैरिजन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि थोड़ा सा मास जब रिएक्शन हो रही होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो थोड़ा सा मास क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर? ज्यादा नहीं,
थोड़ा सा मास, ठीक है। तो याद रखिएगा, द सम ऑफ मासेस ऑफ स्मॉलर न्यूक्ली फॉर्म इन अ फ्यूजन रिएक्शन इज द लिटिल लेस देन दैट ऑफ द मास ऑफ ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस। तो जो सम होता है स्मॉलर न्यूक्ली के मासेस का, जो सम होता है, जो जोड़ होता है, जो फॉर्म होते हैं स्मॉलर न्यूक्ली फ्यूजन रिएक्शन में, तो उन उन स्मॉलर न्यूक्ली का जो मास होता है, उनके मास का जो जोड़ होता है, वो थोड़ा सा कम होता है मास ऑफ ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस से, थोड़ा बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस का मास कितना था, 120 यूनिट्स था, तो उनका कितना होगा, 118 होगा, 117 होगा या 119 होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। क्लियर, समझ गए होंगे। द सम ऑफ मास ऑफ द स्मॉलर न्यूक्ली फॉर्म्ड इन अ फ्यूजन रिएक्शन इज लिटिल लेस देन दैट ऑफ द मास ऑफ ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस। क्लियर। अब क्या होता है, तो मैंने बताया, सो देयर इज अ स्मॉल लॉस ऑफ मास इन द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है, मास का थोड़ा सा लॉस हो जाता है, थोड़ी सी हानि हो जाती है, जो मास की थोड़ी सी, थोड़ा सा लॉस हो जाता है मास के, जो मास होता है आप लोगों का एटम का, उसमें थोड़ी सी हानि हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर। तो याद रखिएगा, देयर इज अ स्मॉल लॉस ऑफ मास इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में थोड़ा सा लॉस होता है मास का, और विच अपीयर एज अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और जो लॉस होता है, जो थोड़ा बहुत हानि होती है मास में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में, वही क्या, वही ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी के तौर पर निकल के आती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, ठीक है। जो मास होता है ना, थोड़ा सा बहुत जो मास में लॉस होता है, उसी से ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलकर आती है, बहुत अद्भुत मात्रा में जो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो निकलकर आती है। तो याद रखिएगा, कैसे निकल के आती है ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, स्मॉल लॉस ऑफ मास इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अपीयर्स एज अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। क्लियर। अब ये भी याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज कैरिड आउट बाय बॉम्बार्डिंग द हैवी न्यूक्ली विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन विच आर कॉल्ड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, उसको कैसे कैरी किया जाता है, कैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की जाती है, हैवी न्यूक्ली को बॉम्बार्ड करेंगे आप, विस्फोट करेंगे हैवी न्यूक्ली को लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ, उसको बॉम्बार्ड करेंगे, ठीक है, तब जाके आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरिड अवे होगी। और लो एनर्जी न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। क्लियर। जब आप धमाका करेंगे ना हैवी न्यूक्ली का, किसके साथ, स्लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल इसका, क्या क्या डिस्कस करेंगे, एग्जांपल डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बताया था रेडियो एक्टिव एटम को बॉम्बार्ड करता है, रेडियो एक्टिव एटम कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सारे होते हैं। तो हम यूरेनियम 235 का एग्जांपल यहां पर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने यहां पर लिखा हुआ है यूरेनियम 235 प्लस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन मैंने दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। जब इसको बॉम्बार्ड किया जाएगा, जब इसका धमाका किया जाएगा इसको यूरेनियम 235 को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, तो जो हैवी न्यूक्लियस है यूरेनियम 235 का, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, दो मीडियम वेट एटम, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर, दो मीडियम वेट एटम को प्रोड्यूस करेगा, जो कि कौन कौन से है, बेरियम 139 और दूसरा क्रिप्टन 94, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या, विद इमेजन ऑफ थ्री न्यूट्रॉन भी उसके साथ क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, मैंने लिखा हुआ है प्लस ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है इस फ्यूजन ऑफ यूरेनियम के फ्यूजन होने से, यूरेनियम के टूटने से, ठीक है। और जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन के तौर पर मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखिए यूरेनियम 235, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन, वन न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर क्या हो, फ्यूजन रिएक्शन हुई, तो क्या हो गया, ये टूट गया दो मीडियम वेट एटम में, कौन कौन से, बेरियम 139 में और क्रिप्टन, ठीक है, क्रिप्टन 94 में, ठीक है, ठीक। अब देखिए आप लोग अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर वाला आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है और नीचे वाला एटॉमिक मास होता है, ठीक है, सॉरी एटॉमिक मास,
एटॉमिक मास ऊपर वाला होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है, क्लियर। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 92 और एटॉमिक मास हो गया 235, ठीक है, और ऐसी बेरियम का एटॉमिक मास हो गया 139 और बेरियम का एटॉमिक नंबर हो गया 56, क्रिप्टन का एटॉमिक मास हो गया 94 और एटॉमिक नंबर हो गया 36, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से, ये मैंने न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपको समझा दी, मैंने बताया जब यूरेनियम 235 को बॉम्बार्ड किया जाता है स्लो एनर्जी न्यूट्रॉन के साथ तो हैवी न्यूक्लियस जो होता है ब्रेक हो जाता है यूरेनियम का, और दो मीडियम वेट बेरियम 139 और क्रिप्टन 94 में कन्वर्ट हो जाता है, और तीन न्यूट्रॉन भी उसमें क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए जब इन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम, जब यूरेनियम का फ्यूजन हुआ तो आप देखिए कुछ मास यूरेनियम का डिसअपीयर हो गया। अब मास देखिए, आप बेरियम को और क्रिप्टन को ऐड कर लीजिए कितना होता है, देखिए ये हो गया 94 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये होता है आपका 203 और 203 में 233 हो गया, ठीक है, 233 हो गया मास। पहले यूरेनियम का मास कितना था, 235। तो मैंने बोला ना शुरुआत में कि थोड़ा सा क्या होता है, लॉस होता है मास में। देखो हैवी न्यूक्लियस का मास 235 था यूरेनियम का, और जब वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई तो जब वो बॉम्बार्ड हुआ तो जो स्मॉलर न्यूक्लियर हुए उनका मास थोड़ा सा कम हो गया। तो अब देखिए कितना कम हुआ, आप देख सकते हैं कितना कम हुआ, 202 यूनिट कम हुआ। तो दो यूनिट से ही क्या बनती है, वो दो यूनिट ही क्या है, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक है, ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है। तो फ्यूजन में देखिए कुछ इन फ्यूजन ऑफ यूरेनियम सम मास ऑफ यूरेनियम डिसअपीयर, लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, और ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। याद रखिए जब तक मास डिसअपीयर नहीं होगा हैवी न्यूक्ली का तो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, क्लियर। अब एक आइडिया मैं आपको बताता हूं कि एक आइडिया ऑफ द ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन बी हैड फ्रॉम द फैक्ट दैट द फ्यूजन ऑफ वन एटम ऑफ यूरेनियम 235 प्रोड्यूस 10 मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन एनर्जी प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। अब देखिए एक आइडिया बताता हूं कितनी ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, कितनी ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा तादाद में अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक आइडिया बताता हूं कि जब फ्यूजन होता है एक एटम ऑफ यूरेनियम 235 का, जब एक एटम जो यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तब वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है एक एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल से। देखो एक एटम यूरेनियम 235 का जलेगा तो वो 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एक एटम ऑफ कार्बन जो कोल से निकलता है, एक एटम कार्बन का उससे 10 मिलियन कितना हो गया, 1 करोड़, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जब एक एटम यूरेनियम 235 का क्या होगा फ्यूजन करेगा रिएक्शन में, तो वो जो कार्बन निकलता है उसके एक एटम से 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान, क्लियर, आप समझ गए होंगे। अगर एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक कार्बन एटम कोल का तो वो, और उसकी कंपेरिजन आप अगर आप करेंगे तो वो कितना करेगा, 1 करोड़ यूनिट प्रोड्यूस करेगा, क्लियर, समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे बेटे न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। आज मैंने आपको डेफिनेशन बताई न्यूक्लियर फ्यूजन की और फ्यूजन के बारे में बताया और मैंने आपको एग्जांपल दिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के, ठीक है। तो इसके बारे में कल थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि इस एनर्जी जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और जो वीडियो नहीं देख रहे आप, तो सरकार ने भी हुक्म दे दिया कि 23 तारीख से फिर से ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, तो अब वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा ये, मैं वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, ठीक है। तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। अगर आप जो देख रहा है उसके लिए अच्छा है, जो नहीं देख रहा उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे सेफ।